नमस्कार पाइनियर देख रहे हैं आप, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल और समय हो चुका है समाचार चक्र का, जिसमें हम बात करेंगे हरियाणा की जुड़ी हुई खबरों की, साथ ही आपको रूबरू कराएंगे 10 देश दुनिया की बड़ी खबरों का। तो पहले बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में हरियाणा बीजेपी का पूरा सहयोग दिल्ली बीजेपी के साथ रहेगा, जिसके स्पष्ट संकेत हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने दिए। सुभाष बराला ने कहा कि अब की बार बीजेपी की सरकार होगी दिल्ली में और आम आदमी पार्टी जो झूठे वादे करती आई है उसका जवाब अब जनता देगी। ता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बनेगी, क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े वायदे दिल्ली की जनता से किए थे और जब वो वायदे पूरे नहीं कर पाते तो फिर अलग अलग तरह के बहानेबाजी करते हैं, जैसे कि पिछले दिनों में देखा गया कि प्रदूषण का मामला था समस्या दिल्ली की, कारण दिल्ली, लेकिन हरियाणा के किसानों के ऊपर इस प्रकार की बात थोपने का काम वो करते रहे कि पोल्यूशन हरियाणा के कारण से है। अन्य बहुत सारी इस प्रकार की चीज़ें जब कोई समाधान वो नहीं कर पाते तो फिर वो दिल्ली सरकार की तरफ या किसी अन्य कोई बहाना बना करके इस प्रकार की बातें वो करते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बार के चुनाव में उनकी कोई बहानेबाजी चलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली प्रदेश के अंदर बननी निश्चित है। देश में लागू हुए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में जहाँ विरोध हो रहा तो वहीं फरीदाबाद के धौज गांव में भी जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने कानून के खिलाफ गांव के लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। सीएए के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने हाथों में देश का झंडा लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध मार्च निकाला। सोना रोड पर लोगों ने हाथों में झंडा लेकर सड़क को जाम कर दिया, जिसके बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की। नागरिकता संशोधन कानून का जहां पूरे देश में विरोध हो रहा है, लगातार सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जिसका विरोध किया जा सके, लेकिन जो देश में लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार के इस बिल का लगातार विरोध हो रहा है, उसके बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह का बयान आता है राज्यसभा में, उनकी ओर से कह दिया जाता है कि इस बिल के बाद NRC भी देश में लागू होकर रहेगी, जिसका विरोध लगातार हो रहा है। मुस्लिम समाज जो है लगातार सरकार का विरोध कर रही है और भी लोग अब जो है सरकार के विरोध में आ गए हैं। आज धौज में फरीदाबाद का क्षेत्र है, यहाँ पर जो है विरोध देखने को मिला है। सर क्यों विरोधी है जो सरकार का हो रहा है? सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कांग्रेस जो है बहकाने का काम कर रही है आप लोगों को। क्या लगता है कि क्या कुछ जो है इसमें है ऐसा गलत के जो आपके खिलाफ हो सकता था? देखो, जो NRC के कानून जो बनाया है हमारे गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने, तो ये एक मुस्लिम के खिलाफ नहीं, ये हमारे संविधान के खिलाफ है। सबसे बड़ी बात जो इसमें हमें बुरी लगती है, हम मुसलमान होने के नाते लोग हमें टारगेट करते हैं कि आप ही के खिलाफ है, हालांकि ये सारी और भी जो कौमें हैं सबके खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात है जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान बनाया है, लिखा है 1950 में जो लिख दिया गया, हमें लागू कर दिया गया, उसको हम मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। हम मुसलमान होने के नाते कलाम पाक हमारी एक सबसे पवित्र किताब है, हम उसको मानते हैं। उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान कलाम पाक के अलावा बाकी किसी किताब को नहीं मानते, लेकिन जो हमारे संविधान की किताब है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो लिखी है हम उसको भी मानते हैं अपनी कलाम पाक के साथ साथ। और उसमें अगर कोई बदलाव करेगा, उसमें कोई चेंजिंग करेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ी करेगा, उस वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। आज जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं लोग, कहाँ कहाँ के जो सारे लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, समझाने का प्रयास किया गया है, और कहाँ तक जो है आगे इसका विरोध दर्ज कराया जाएगा? ये आस पड़ोस के गांव हैं जी हमारे, आलमपुर, सिरोही, खोईरी, जख्खोपुर, बींजोपुर, लदियापुर, काफ़ी गांवों के आदमी आए हैं और इसके खिलाफ हैं सब। क्या सहमति आज बैठक में जो यहां पर आपने जो एक सभा रखी थी, लोगों को एक संदेश दिया था, क्या कुछ उसमें निकल कर आया? निकल के यही आया है कि ये इस कानून के खिलाफ हैं सभी और इस कानून को नहीं चाहते। क्या कुछ आगे ऐसे प्रयास होंगे कि आखिर जो है इसको आगे बढ़ाया जा सके, कैसे जो लोगों को समझा कर जो है आगे की चीज़ें होंगी? देखो जी, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा यहाँ पे, ये तब तक ये वापस नहीं होगा ना, ये मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। अभी थोड़ा है, इससे ज़्यादा होगा। अभी लोग आधे आए हैं, अभी पूरे लोग आएंगे सभी। अभी तो इसमें कुछ क्षेत्र रह रहा है, वो भी सब आ जाएंगे सामने, अभी कुछ ही आए हैं निकल के। लगता है कि लोग अगर सड़कों पर आ गए, काम छोड़ दिया है, या फिर जो लगातार और भी समाज के लोग आपके साथ आ रहे हैं, सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा? झुकना तो पड़ेगा, हमें उम्मीद है झुकेगी, लेकिन सरकार कह रही है कि ऐसा है कुछ नहीं, आपको समझने की ज़रूरत है, आपको बरगलाया जा रहा है, दूसरी पार्टियाँ आपको जो है गलत जो है संदेश दे रही है।
आप भी पढ़े लिखे लोग हो, बाकी जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सारे वकील जो रोडों पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो संविधान को नहीं जानते हैं, वो सब इसके बारे में जानते हैं। हमें क्या बता रहे हैं अमित शाह जी इसके बारे में कि एक किसी भी हिंदुस्तानी को डरने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तानी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप साबित कराओगे तभी तो हिंदुस्तानी हैं हम। जो आज विदेशों में हमारे प्रधानमंत्री घूम रहे हैं वो हिंदुस्तानी थे, सब जगह उनका इस्तकबाल होता है, उनको लोग इज्जत देते थे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आए, और इस कानून के तहत NRC के तहत उन्हें साबित करना पड़ेगा कि वो हिंदुस्तानी हैं या नहीं हैं, क्योंकि पहले वो नागरिक हैं, प्रधानमंत्री बाद में हैं, पहले उनको अपनी नागरिकता दिखानी पड़ेगी वो हिंदुस्तानी हैं या नहीं है। इससे ज़्यादा और सरकार पूरे हिंदुस्तान के लोगों को क्या जलील करेगी, क्या इससे ज़्यादा सरकार और लोगों के दिलों को ठेस पहुँचाएगी। तो साफ तौर पर जो सरकार का बिल था, वो जो कानून बनाया गया, उसको लेकर लगातार पूरे देश में कहीं ना कहीं विरोध है, और वो विरोध के सुर पूरे देश में फैल रहे हैं। सरकार को इस बिल को जो है वापस लेने की मांग कर रहे हैं, कहना है कि आखिर जो नागरिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो क्या प्रधानमंत्री भी अपनी नागरिकता पेश करेंगे। कैमरामैन पंकज के साथ संदीप गोयल, पायनियर। गुरुग्राम में देश विदेश की 100 साल से पुरानी विंटेज कारों का जमावड़ा लगने वाला है। आने वाली 15 और 16 फरवरी को गुरुग्राम की सड़कों पर विंटेज कारों की रैली का आयोजन होगा, जिसमें दुनिया भर के राजशाही परिवारों को न्योता दिया गया है। कार रैली में सैकड़ों पुरानी कारें हिस्सा लेंगी, जिनमें विदेशी विंटेज कार भी शामिल होंगी। इसमें सबसे पुरानी जो गाड़ी है वो 1902 की है, कैडिलैक, जो कि एक अमेरिकन कार है। और उसके अलावा जो भारत से बाहर से आने वाली जो 15 गाड़ियां हैं, जो पहली बार, ये सभी गाड़ियां भी पहली बार आ रही हैं, और इससे सभी को एक नई चीज़ देखने का मौका मिलेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य दो हैं इसमें। एक तो जो हमारी यंगर जनरेशन है उसको मोटरिंग का जो इवोल्यूशन है, 1886 में जो पहली कार बनी थी वहाँ से लेकर और आज तक की गाड़ियों का जो एक इवोल्यूशन है, हर साल जो बदलाव आए उन गाड़ियों में, कैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, तो ये यंगर जनरेशन को प्रेरित करेगी कि कैसे कोई भी चीज़, एक छोटा सपना कैसे बड़ा बनता है। हरियाणा सरकार गाय और गोवंश की रक्षा के लिए अनेकों प्रयास कर रही है, लेकिन आज भी कई जगह सरकार के प्रयास कमजोर साबित हो रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा इन दिनों बल्लमगढ़ के ऊंचा गांव स्थित नंदी ग्राम गौशाला में देखने को मिल रहा है, जहां पर नंदी ग्राम गौशाला में जगह की कमी और गोवंश की अधिकता के कारण गाय लंबे समय से बदहाल जीवन जीने को मजबूर हैं। वैसे मैं RWA सेक्टर 62 से जुड़ा हूँ, वहाँ का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और RSS जुड़ा हूँ, पर यहाँ आते हैं हम गौशाला से भक्त में 2-3 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को। नंदीग्राम ऊंचा गांव गौशाला में जगह कमी बहुत लंबे समय से बनी हुई है, कितनी कितनी दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें इसमें आ रही जी, गौवंश ज्यादा है इसमें, जगह थोड़ी है। आप बाड़ा देख रहे हैं कि इसमें देखो कितनी गाय हैं और जगह की कमी आ रही है इसमें बहुत ज्यादा, घिचा पिच जगह है, गाय बैठे जगह ना मिले। प्रशासन से कभी शिकायत की? प्रशासन से शिकायत करी, प्रशासन सुनता ही नहीं है। क्या कहते हैं अधिकारी? क्या क्या अधिकारी कहे, कभी हमारे पैसा फाइल है जो चारे की है वो भी हमारी फाइल नहीं है, हमें इधर उधर कर देते हैं, भैया अभी टाइम नहीं है, उधर ला उसे साइन कराओ, परेशान कर देते हैं, वो चारा भी नहीं मिला टाइम पे हमें। तो कोई उम्मीद है आपको? उम्मीद तो है कि जब प्रशासन, उम्मीद तो हम करते, तो उम्मीद से गाड़ी चल रही है, हम तब उम्मीद है कि भैया अभी नया साल भी आ गया, कुछ हमारे चारे की व्यवस्था कर दें। वर्तमान सरकार गौ प्रेमी बताई जाती है, इसके लिए नए नए प्रबंध भी किए जाते हैं, क्या सरकार से उम्मीद है कुछ? सरकार से उम्मीद तो है, पूर्व उम्मीद पे गाड़ी चल रही है, जैसे आप तो आप जैसे भक्त को आज दानदाता है, कुछ ऐसे भी उसे काम चल रहा है, किसी सहयोग मांगते हैं, अभी भी आप जैसे कर्जा लेके भी मतलब हम चारा ला रहे हैं इस फिलहाल, आप जैसे चारा लाते हैं तो पैसा बाहर से लेके ही मतलब अपना काम चला रहे हैं इसमें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 1 फरवरी से 16 फरवरी तक आयोजित होने वाले 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में इस बार कंट्री पार्टनर देश उज्बेकिस्तान की कला एवं संस्कृति से देशवासी रूबरू होंगे। उज्बेकिस्तान और हिमाचल प्रदेश की ओर से भी प्रतिनिधियों ने मेले में आकर तैयारियों का अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। 23 साल बाद इस बार फिर हिमाचल प्रदेश मेले का थीम स्टेट बनने जा रहा है। मेले में कोरियोग्राफी फैशन डिजाइनर रितु बेरी द्वारा उज्बेकिस्तान की ओर से फैशन शो होगा। मेले में लगभग 1500 से ऊपर दुकानें इस बार तैयार हो रही हैं। साथ ही मेले में इस बार लोगों को अधिक सुविधाएं भी मिलने वाली हैं। लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल पहुंचे बच्चे अब गणतंत्र दिवस की तैयारियों में जुट गए हैं। खुद जिला शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कौर वर्मा के नेतृत्व में सेक्टर 12 खेल परिसर के अंदर बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां कर रहे हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन होने वाले कार्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के साथ प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी हिस्सा लेंगे। इस दिन होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बच्चों ने पसीना बहाना शुरू कर दिया है। इसके बाद सोमवार को कार्यक्रमों के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की छटनी भी की जाएगी, जो कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन परफॉर्मेंस देंगे। सेक्टर कन्वेंशन सेंटर में हो रही है, बड़ी अच्छी तैयारी हो रही है।
छुट्टियों के बाद बच्चों में जोश है और अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, प्रोग्राम बड़ी अच्छी तरह से मनाएंगे। कहाँ कहाँ के बच्चे आए हैं? अभी तो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों के हैं, इनका सिलेक्शन जो है मंडे को होगा, जो कितने स्कूल बचेंगे ये फाइनल आपको मंडे को बताएंगे। शराब के ठेके बंद कराने के प्रस्ताव टोहाना की 29 पंचायतों से आए हैं, जिसमें अधिकतर टोहाना और भूना क्षेत्र से बताई गई हैं। टोहाना विधानसभा क्षेत्र से जजपा के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की कर्मभूमि रही है। इस पर दोनों नेताओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जनता जागरूक हो रही है, प्रदेश सरकार द्वारा गाँव से शराब के ठेके हटाने के लिए पंचायतें इस ओर आगे बढ़ रही हैं, यह लोगों की अच्छी पहल है। लोग नशे के बारे में पूरी तरह से अवेयर हो रहे हैं और मैं तो धन्यवाद दूंगा दुष्यंत चौटाला जी को जिन्होंने ये पंचायतों को ऑफर दिया है कि वो 10% लोग भी अगर लिख करके दे देंगे तो वहाँ ठेका नहीं खुलेगा। तो नशा एक बुराई है, चाहे वो शराब हो या एनी को ड्रग्स हो, तो उससे जितना भी नई जो पीढ़ी है नौजवान उनको बचाया जा सके उसके लिए ऑप्शन दी है दुष्यंत जी ने और लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं, आगे बढ़ करके इस बारे में अप्लाई कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ठेका ना खुले ताकि कम से कम शराब का सेवन हो और जवानी जो बर्बाद होती है नशे को लेकर के उससे बच्चों को बचाया जा सके। टोहाना आपका क्षेत्र भी रहा है, यहाँ से सबसे ज़्यादा आवेदन गए हैं, तो क्या कहेंगे सामाजिक जागरूकता में कोई ज़्यादा अवेयर है, लोग ज़्यादा समझदार हैं इस मामले में कि नशे से बचा जा सके। तो अन्य नशे हैं उनको लेकर भी कोई सरकार की तरफ से कोई विशेष कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं, सरकार की तरफ से अभियान भी चलाए जा रहे हैं और इसके लिए जो है नशे को किस तरीके से ड्रग्स को रोका जा सके, उसकी स्मगलिंग रोकी जा सके और जो उसके दुष्प्रभाव नौजवान पीढ़ी के ऊपर पड़ते हैं उससे बच्चों को बचाया जा सके। देखिए, किसी भी पंचायत में अगर इस प्रकार की कहीं कोई समस्या है, किसी गाँव में भी समस्या है शराब के कारण से, अगर वो पंचायतें अपने वहाँ पर गांव में ठेका ना खुले अगर इस बात का प्रस्ताव देती हैं तो बड़ी एक अच्छी बात, एक सराहनीय पहल है जो कहीं ना कहीं शराब का जो प्रचलन है उसको रोकने में सहायक सिद्ध होंगे। देखिए, अभी जो शराब की पॉलिसी थी वो सब लोगों को पता है और उसमें जिन जिन गांव में इस प्रकार की सहमति बनती है कि शराब के ठेके ना खुले जाएं वहाँ ये काम आगे बढ़ रहा है। और बाकी अन्य नशे की जहाँ तक बात है, सरकार का इसके ऊपर पूरा एक कड़ा रुख है और पुलिस प्रशासन को इस बात के सख्त आदेश हैं कि कहीं भी इस प्रकार की कोई घटना सामने आती है नशा बिक्री की या कहीं इस प्रकार की तस्करी की, उसको रोके और संबंधित जो दोषी हैं उनको कड़ी सज़ा मिले, इस बात का प्रयास पुलिस प्रशासन कर रहा है, उनको आदेश इस प्रकार के दिए गए हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और खबरों का रुख करेंगे। वेलकम टू स्लेज हैमर गोल्फ केसिंग हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी व्हिच इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ सल्तनत ऑफ ओमान इन निजवा। स्लेज हैमर गोल्फ इज अ मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D ब्रांच ऑफ गोल्फ एनर्जी जॉइंट वेंचर विद स्लेज हैमर ऑयल टूल्स PCT लिमिटेड इंडिया। This facility is designed with topmost efficient system to maximize production with minimum waste. It can produce twice our current requirement with capacity of 10,000 plus centralizers per month. Currently, we produce over 50 products which are tested as per API standards and commercialized to our clients. By end of the year, floats equipment manufacturing shall be started. The facility is fortified with highly experienced personnel, state-of-the-art plant and latest equipment to initially take care of the business in Oman and the group business in MENA. Sledgehammer Gulf has already signed contracts with different local oil and gas operators for a period over 11 years. We can customize design according to the client needs and have the capability to stimulate the casing running using high-tech computer software. Materials, size, thickness and design will impact the final product performance such as standoff, restoring force and starting force and running force, which are always more than minimum value specified in the API standards. We apply the highest service quality standard for manufacturing following international certifications and API standards. Once design is approved, the product goes under several design verification processes which validate the design circulation.
We have full traceability in our manufacturing plant from the start of raw materials in process manufacturing, job status and delivery forecast that helps us to control quality and meeting our orders delivery. Our high tire single piece integral centralizer is built for aggressive applicable and provides 60% standoff in highly deviated and horizontal application. We are committed to train and develop our personnel and employees. We also monitor closely our employees' competence and encourage training where we see more improvement can be done. Promotions and career progression in the company is based on technical competency within the organization to inspire talented Omani capabilities. We capitalize on local manufacturing to enrich the in-country value and position our company in the leading oil and gas service company with in-house R&D to develop updated technologies. दर्शकों की पहली पसंद बन रहा पायनियर। पिछले 11 महीनों में दिखाई हमने आपको वो हर खबर जो जानना था आपके लिए जरूरी। उठाए हमने हर वो मुद्दे जिससे आपका था सरोकार। आवाज बने हम उनकी जिनकी दबा दी गई थी आवाज। हमने किया लोगों को देश के प्रति जागरूक करने का काम ताकि आपका भी हो देश की प्रगति में योगदान। खबरें जो आपको सीधा जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच दिखाने का, आप तक सच पहुंचाने का, आपके विश्वास से बनी पायनियर की पहचान, हर खबर सच्चाई के साथ। पायनियर हमेशा सच के साथ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। फरीदाबाद में चाइल्डलाइन और स्टेट क्राइम ब्रांच की एक मुहिम रंग लाई है जिसमें एक मंदबुद्धि बच्चा स्टेट क्राइम ब्रांच को स्थानीय पुलिस धौस द्वारा सौंपा गया था, जिसके बाद स्टेट क्राइम ब्रांच और चाइल्डलाइन की टीम ने बच्चे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद लोगों से अपील की गई कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यह वीडियो उनके परिजनों तक जा पहुँचा। अब बच्चे के माता पिता बच्चे को पाने के बाद स्टेट क्राइम ब्रांच और चाइल्ड लाइन की टीम का धन्यवाद कर रहे हैं। अच्छा, ये गाजीपुर गांव में मतलब हम लोग रहते हैं जी। बच्चे के साथ में खेलने के लिए गली में निकला था, गली में बच्चे के साथ खेलते खेलते मतलब जो है कि इधर उधर भटक गया था जी। तो कहाँ आपने कंप्लेंट दी, कैसे आपको बच्चा मिला, क्या कंप्लेंट? हमने पुलिस चौकी में लिखवाया था जी। तो कैसे पता चला कि बच्चे यहाँ पर है मिसिंग सेल? ये हमारे मकान मालिक के मोबाइल पर जो है उसका वीडियो आया था जी। मकान मालिक को बताया और उनके साथ में नंबर था, वो नंबर पे फ़ोन किया और वहाँ से बताया कि वहाँ पे बच्चा है। और जो बच्चे वाला मामला था, ये शनिवार को एक बच्चा मिला था जो अपने पाली धोज के एरिए में मिसिंग था बच्चा जी। और इस बच्चे को लोकल पुलिस ने, धोज पुलिस ने इसको DDR वगैरह इसकी करा के CDOC को पेश करके होम में रखवा दिया था, जो शेल्टर होम जो होते हैं उनमें रखवा दिया था। उसके बाद हमारे पास सूचना आई थी बच्चे की, एक बच्चा मिसिंग है और इसको सर्च करने के, क्या नाम है, आप प्रयास कीजिए। तो हमारी टीम ने और चाइल्डलाइन की टीम ने इस बच्चे के जहाँ बच्चा क्या नाम सपोर्ट से विजिट हुआ, क्या नाम मिसिंग हुआ था, वहाँ गए, वहाँ आसपास एरिया में पता किया है। तो वहाँ हमें कुछ किसका कोई क्लू मिला नहीं है कि यहाँ से कोई बच्चा लापता है। लोकल पुलिस के पास कोई खबर नहीं थी। तो हमारी टीम ने उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से 2-3 दिन से हम फरीदाबाद के जो भी लोग बड़े बड़े पेज चला रहे हैं फेसबुक पे और जिनके काफ़ी फॉलोवर हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी जगह हमने इसकी छोटी सी वीडियो बना के डाली थी। और इस वीडियो के माध्यम से ही
इस बच्चे का पता लगा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी आदमियों का जिन लोगों ने फेसबुक पे पेज पे या वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर किया था हमारे अभी 8-10 दिनों के दौरान में। ये दूसरा ऐसा मामला है जिसमें किसी का कोई सहयोग नहीं है, केवल सहयोग उन लोगों का है जिन्होंने न्यूज़ को शेयर किया था व्हाट्सएप पे भी और फेसबुक पे। ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमने 10 दिनों में 2 बच्चे ऐसे मिलाए, दोनों बच्चे ऐसे थे जो भी 7-8 दिन पहले बच्ची थी वो भी बच्ची ऐसी थी जिसको ये भी नहीं महसूस होता कि बाथरूम वगैरह आ रही है, कुछ कोई फीलिंग नहीं थी। ये आज वाला बच्चा भी ऐसा ही है, बिल्कुल मंदबुद्धि है और सुनना बोलना कोई इसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या है, कुछ भी नहीं है। होडल में हुई भारी बरसात और ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसानों ने सरकार से गिरदावरी कराने और मुआवजा देने की मांग की है। करीब 4 गांव के किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, जिसके बाद किसान लगातार सरकार की तरफ आस लगाए बैठे हैं कि सरकार जल्द से जल्द उनको मुआवजा देगी। बहुत से कार्य के साथ बारिश आई है, जबकि सरसों की फसल में, गेहूं की फसल में बहुत ज्यादा नुकसान है। बारी जो बुब रही है, टमाटर वमाटर वैसे बुब रहे हैं, सब्जी गोभी वगैरह उनमें काफी भारी नुकसान है। बिलान बिलान हो रहा है वो है, और मोटा हो रहा था, कंचा से भी मोटे थे, सूखे बिल्कुल। तो कितनी लगभग एकड़ फसल बर्बाद हुई है? अब हमारे यहाँ में सभी बर्बाद नहीं जी, जो हमारे 1300 एकड़ जमीन, 1300 एकड़ जमीन हाँ जी लिखित में। तो अब क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सरकार से ये दरखास्त है कोई हमें मुआवजे की, अब सरकार से ये है जी कोई हमें मतलब जो है जब राहत मिल जाए, कोई मुआवजा मिल जाए बालकन के निया, कोई सहारो हो जाए, सहारो बिल्कुल खत्म है, फुटा उठा गए उनके जो कोत पा रहे हैं वो भी खत्म कर दिए हैं। हाँ, और सब फसल मतलब बर्बाद है, बारी की वैसी सब फसल बर्बाद है जो सरसों उनकी उनकी। तो क्या इसके अलावा खेती के अलावा भी कोई आपकी आमदनी होती है या नहीं होती है? केवल खेती पे आधारित है, तो खेती पे आधारित है हमारे ज्यादा। तो ये खराब होते ही तो आप बिल्कुल खराब खराब है, बेर देख लो जो फसल है यहाँ पे जी। बहुत काफी ओलावृष्टि हुई है, काफी तादाद में, काफी अच्छे मोटे मोटे ओले हुए हैं, और हमारे गेहूं में फसलों और सरसों में काफी नुकसान है। हमारे सरकार से ये दरखास्त है कि हमें मतलब इसकी कोई पेट भरपाई हो अच्छे ढंग से जी, जी गिरदावली हो जाए जी, गिरदावली करी जाए इसकी। खूब भारी ओरों पर हो जी, सूखो ओरों पर से हो कहते बहुत मोटो मोटो, और गेहूं में काफी नुकसान है जी। कितनी देर ओले बरसे हैं? कम से कम 15-20 मिनट ओरों पर से हो जी। तो और हमें यानी मुआवजा मिलना चाहिए जी सरकार की ओर से। तो कितना नुकसान है गेहूं में? और काफी नुकसान है जी, बहुत घना नुकसान है जी, भारी भारी नुकसान है। हाँ जी। तो कितने गाँव में ओले पड़े हैं? ये लगभग 5-6 गाँव में तो ओर खूब पड़े हुआ, बेड़ा है, बेड़ा है, फिर भी है, भिडुकी है, बांसो है, कई गाँव में ओले। हाँ जी, बहुत ओर हुआ, तो काफी नुकसान हुआ है। हाँ जी, हमारे यहाँ पर कम से कम 15-20 मिनट के लगभग ओले पड़े हैं, और हमारे कम से कम 50-60% का नुकसान है। और हमारे गांव में मात्र दूसरी फसल है, बहुत हल्की होती है, एक ही गेहूं की फसल पर आधारित होते हैं किसान, और जो कि ज़्यादा 50-60% नुकसान है, जो कि पूरी तरह से मर चुके हैं किसान, कोई भी मतलब वो नहीं है। हम सरकार से आह्वान करते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इसकी को देख रेख करा करके और हमारा मुआवजा दबाने का काम करे सरकार। तो लगभग कितनी एकड़ फसल बर्बाद हुई है आपके गांव की? हमारे गांव की कम से कम 350-400 एकड़ जमीन है गांव के अंदर, जो सारी की सारी मतलब 60% बर्बाद हो गई है, कम से कम 60%। और अब हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही, आपको छोड़े चलते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार मामले में भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की दोष सिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देने वाली उसकी याचिका पर सीबीआई से शुक्रवार को जवाब मांगा। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने सेंगर को जुर्माने की 25 लाख रुपए की राशि 60 दिन में देने की अनुमति दी, जिसमें से 10 लाख रुपए बिना किसी शर्त के पीड़िता के लिए जारी किए जाएंगे। पीठ ने मामले की सुनवाई 4 मई तक टाल दी है। सत्ता का कॉरिडोर यानी सेंट्रल विस्टा को पूर्ण विकसित किया जाएगा, इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार पहले ही मंजूरी दे चुकी है। नई परियोजना के तहत नए सचिवालय में 10 भवन बनाए जाएंगे, संसद भवन के ठीक बगल में नया संसद बनाया जाएगा, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को एक कर म्यूजियम में परिवर्तित किया जाएगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला की मुलाकात का जिक्र किया तो सियासी हड़कंप मच गया।
महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना के साथ शामिल कांग्रेस के नेता शिवसेना सांसद राउत के बयान के खिलाफ उतर आए, जिसके बाद संजय राउत को माफी तक मांगनी पड़ी, लेकिन ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला की तस्वीरें सामने आने के बाद अब एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को डॉन करीम लाला के साथ देखा गया है। इराक में एक बार फिर अमेरिकी वायु सैनिकों के अड्डे पर रॉकेट दागे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक बगदाद के उत्तर में उस इराकी हवाई अड्डे को कटियूशा रॉकेटों से निशाना बनाया गया, जहां अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं के जवान मौजूद थे। इराकी सेना ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस एयरबेस पर अमेरिकी सेना भी तैनात थी। अहमदाबाद मुंबई के बीच आज से प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस शुरू होने जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अहमदाबाद के कारूपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आज से दूसरी प्राइवेट तेजस अहमदाबाद से मुंबई के बीच शुरू होगी। साथ ही बता दें कि इस ट्रेन के हॉस्ट्रेस की ड्रेस बदली गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गौरव चंडेल मर्डर केस में शुक्रवार को पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस को मृतक गौरव चंडेल का मोबाइल बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने राहगीर से मोबाइल फोन बरामद किया है। इससे पहले पुलिस को गौरव चंडेल की कार मिली थी, जिसकी फोरेंसिक जांच के दौरान कार से तीन लोगों की उंगलियों के निशान मिले थे। भारत ने संचार उपग्रह जी सेट 30 का फ्रेच गुयाना से एरियन 5 का गुरुवार देर रात सफल लॉन्च किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बताया ये सैटेलाइट उच्च गुणवत्ता वाली टेलीविजन दूर संचार एवं प्रसारण सेवाएं मुहैया कराएगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क में शेरों का एक जोड़ा लाया गया। बता दें कि इन्हें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से लाया गया है। वन अधिकारियों का कहना है कि ये अभी स्वस्थ हैं और धीरे धीरे इस माहौल में ढल जाएंगे। राखी सावंत का ये वीडियो किसी फिल्म या म्यूजिक वीडियो का मालूम होता है, जिसकी शूटिंग वो इन दिनों कर रही हैं। राखी ने वीडियो तो शेयर किया, लेकिन इसके साथ इसकी डिटेल्स शेयर नहीं की। इस वीडियो में हीरो कौन है ये भी पता नहीं है। हालांकि वीडियो के कैप्शन में उन्होंने हीरो को ठंडा जरूर कहा है। इस वीडियो में राखी रेड कलर की ड्रेस पहने रेगिस्तान में रोमांस करती दिख रही हैं। इस वीडियो में वो कई बोल्ड सीन देती नजर आईं। बीसीसीआई ने अपना सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने टीम के साथ अभ्यास किया, जिसमें उन्होंने 27 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया, लेकिन उसमें दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी का नाम शामिल नहीं था, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। अब इसके बाद उन्होंने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बड़ा जवाब देते हुए रांची में झारखंड की टीम के साथ अभ्यास किया, जहां पर धोनी बल्लेबाजी में अपना समय बिता दराए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। Welcome to Sledgehammer Golf Casing Hardware Manufacturing Facility, which is located in the heart of Sultanate of Oman in Nizwa. Sledgehammer Golf is a manufacturing and R&D branch of Gulf Energy Joint Ventured with Sledgehammer Oil Tools PCT Limited India. This facility is designed with topmost efficient system to maximize production with minimum waste. It can produce twice our current requirement with capacity of 10,000 plus centralizers per month. Currently, we produce over 50 products which are tested as per API standards and commercialized to our clients. By end of the year, floats equipment manufacturing shall be started. The facility is fortified with highly experienced personnel, state-of-the-art plant and latest equipment to initially take care of the business in Oman and the group business in MENA. Sledgehammer Gulf has already signed contracts with different local oil and gas operators for a period over 11 years. We can customize design according to the client needs and have the capability to stimulate the casing running using high-tech computer software. Materials, size,
thickness and design will impact the final product performance, such as standoff, restoring force and starting force and running force, which are always more than minimum value specified in the API standards. We apply the highest service quality standard for manufacturing following international certifications and API standards. Once design is approved, the product goes under several design verification processes which validate the design circulation. We have full traceability in our manufacturing plant from the start of raw materials in process manufacturing, job status and delivery forecast that helps us to control quality and meeting our orders delivery. Our high tire single piece integral centralizer is built for aggressive applicable and provides 60% standoff in highly deviated and horizontal application. We are committed to train and develop our personnel and employees. We also monitor closely our employees' competence and encourage training where we see more improvement can be done. Promotions and career progression in the company is based on technical competency within the organization to inspire talented Omani capabilities. We capitalize on local manufacturing to enrich the in-country value and position our company in the leading oil and gas service company with in-house R&D to develop updated technologies.